चलिए बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर से। नोएडा में संदिग्ध परिस्थितियों में हेड कांस्टेबल का शव बरामद किया गया है। गेस्ट हाउस में हेड कांस्टेबल का शव मिला है। नोएडा से बड़ी खबर, मृतक का नाम अनिल शर्मा बताया जा रहा है। थाना सेक्टर 58 में तैनात था ये कांस्टेबल। विशनपुर गांव में अपने परिवार के साथ किराए पर रहता था और इस कांस्टेबल का शव बरामद हुआ है। नोएडा से ये बड़ी खबर इस वक्त की, विशनपुर गांव में अपने परिवार के साथ किराए पर रहता था कांस्टेबल। संजीव हमारे साथ जुड़ गए हैं और जानकारी के साथ, क्या कुछ जानकारी इस मामले में मिल पा रही है? प्रथम दृष्टया कोई साक्ष्य सामने आया है? देखिए मैं आपको बता दूं, ये सेक्टर जो है 56 के A7 नंबर में एक गेस्ट हाउस है, जहाँ पे संदिग्ध परिस्थितियों में जो SCP है ये गेस्ट हाउस में से बरामद हुआ है जाए। और ये थाना 58 है, बगल में ही वहाँ ये तैनात थे और बगल में ही बिशनपुरा एक गाँव है, वहाँ ये अपने परिवार के साथ जो अनिल शर्मा रह रहा था, लेकिन गेस्ट हाउस के अंदर से मिला है। तो जाहिर सी बात है अभी पुलिस जो है जांच में जुट गई है कि आखिर मौत के वो सब पता लगाने में भी पुलिस जुट गई है जांच में। जी, उस वक्त आसपास कोई और मौजूद रहा होगा उस घर में कोई, या जहां पर ये शव बरामद हुआ है कोई और मौजूद है, उससे कोई बातचीत कोई जानकारी मिल पाई? जी मैं आपको बता दूं, ये शव मिला है ये गेस्ट हाउस है, क्योंकि यहाँ पे अनेकों जो गेस्ट हाउस चल रहे हैं छोटे छोटे, उनमें से ये भी एक गेस्ट हाउस है जो कि रेजिडेंशियल एरिया में ये तैनात मौजूद है गेस्ट हाउस, और वहाँ पे ये बकायदा चलाया जा रहा था। नोएडा प्राधिकरण के जबकि रूल है कि कोई गेस्ट हाउस भी किसी रेजिडेंशियल एरिया में नहीं चलेगा, उसके बावजूद ये गेस्ट हाउस चलाया जा रहा था। लेकिन जो शव मिला है SCP का, वो अपने आप में एक सवाल खड़े करता है, आखिरकार SCP का आखिर क्यों यहाँ गेस्ट हाउस में गए थे और क्यों आखिरकार उनकी यहाँ मृत्यु हुई, ये सब थोड़ा सवाल है। ठीक है, शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए संजीव।